अभी हम गौरीकुंड के आगे रेस्ट कर रहे, थोड़े अभी आगे आ चुके हैं और देख सी आप नज़ारा, यहाँ का व्यू जो है बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। दिखने में जितना प्यारा है उससे कई खतरनाक भी है। ये देखो पूरा भी माइनस टेम्परेचर हो चुका है, काफ़ी ठंड बढ़ेगी ज़्यादा। ये देखो पूरा पैर पूरा बर्फ़ है नीचे भी, जितने बर्फ से हम आए हैं काफ़ी टेम्परेचर लो हो गया है। लेकिन ये रहा इधर जो है ये वाला, ये मनी महेश का पहाड़ है। अभी हम इस तरफ मतलब सीधा ये वाली पहाड़ पे जाएंगे जहाँ पर मनी महेश कुंड है, वहाँ से दर्शन करके फिर नीचे उतरेंगे। देखो ये वाली मनी महेश की पहाड़ी है, सीधा मेरे सर के ऊपर जो है वो, और काफ़ी बर्फ़बारी मतलब बहुत बर्फ़बारी हुई यहाँ पे, ज़्यादा पूरा पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है एरिया। और अद्भुत नज़ारा जो है आप देख सकते हैं। हम अपने रिक्स पे आए हैं, हम सिर्फ 3 ही लोग आए हैं, हमने खुद ने रास्ता बना के आए हुए हैं, और चौथी ये हमारी ये आई है स्वीटी, ये स्वीटी आई है हमारी, बस हम 4 लोग स्वीटी पकड़ के, हम 4 लोग हैं। स्वीटी को पॉपुलर कर दो इसको। हाँ स्वीटी पॉपुलर हो गया अभी, सेलिब्रिटी बना दो इसको। हाँ सेलिब्रिटी बनेगी भाई, हम सेलिब्रिटी हम 3 और 34 सिटी बस हमारे से वाला भी कोई नहीं, हम रास्ता बना के आए हुए आगे ऊपर तक। अभी आगे भी रास्ता बनाना पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हैं बर्फ़ सीधी है ऊपर, और काफ़ी बर्फ़ से पैर फिसलता है तो रास्ता बनाना पड़ेगा। ये बर्फ़ से पैर फिसल जाता है, ये पूरा बर्फ़ है, ये देखो काफ़ी बर्फ़ है इधर, और टेम्परेचर भी काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है, हाथ भी कांप रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मज़े ले रहे हम यहाँ पे अभी बर्फ़ के पूरे, कुछ अलग करके। ये है असली जन्नत श्री मनी महेश कैलाश की, यहाँ आना कोई आसान बात नहीं है, जिगरा भी चाहिए आने के लिए, हर किसी के बस की बात नहीं है, और स्टैमिना की काफ़ी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से शायद बारिश का मौसम हो रहा है, वो देखो बादल घिर रहे हैं, बादलों से घिर रहे हैं, पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए, कब बर्फ़बारी शुरू हो जाए, लेकिन अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बर्फ़, ये देखो पुराने जो है बड़े ये बर्फ़ से भरे हुए हैं, देखो बर्फ़ पूरे बर्फ़ से भर चुके हैं, ये देखो, और देखो बादलों आवाज़ें भी आ रही है। चलो चले, बारिश का मौसम ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।